माननीय मंत्री महोदय, आप तो राजा साहब भी हैं, तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे। मैं मेंबर श्री दीप राज जी, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। यस, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इस तथ्य को जो है वो जो सच करके दिखा रहा है, ये जो प्रश्न का उत्तर हमें मिला है, मैं कुछ आंकड़े जो है आपके सामने लाना चाहूंगा। कुश्ती को लेकर मेरा ये प्रश्न था, खेल कूदों को लेकर, आज बच्चे भी यहां पर आए हैं, उनके भी भविष्य का सवाल है। उत्तर मिला है कि जिला ऊना में खेल प्रातावास संचालित है तथा इसमें मुफ्त आवास, खाना, खेल किट, बीमारी चिकित्सा मतलब हेल्थ फैसिलिटीज, और यहाँ पे 14 लड़के हिमाचल प्रदेश में मात्र एक और सिर्फ 14 लड़के यहाँ पे प्रशिक्षण कर रहे हैं। और इसकी गंभीरता देखिए आप, 3% के आधार पर मात्र और मात्र 21 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप तो राजा साहब भी हैं, तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे। आज हमारे खेलों में टॉप डाउन अप्रोच चल रही है। प्रश्न पे आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पहली बार है, थोड़ा समय देना। कम टू द क्वेश्चन। हाँ जी, तो आज हमारे खेलों में जो है वो टॉप डाउन अप्रोच चल रही है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने परिवार की मदद से अगर किसी स्थान पे पहुंचता है, तब उसे जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, सुविधा दी जाती है। इसी की वजह से जो आज हमारा प्रदेश है जो अवार्ड्स में है, मेडल्स में है, बहुत कम है, बहुत पीछे है। कम टू द क्वेश्चन प्लीज। बस सर अध्यक्ष जी, थोड़ी देर। लेकिन हमें इसके ऊपर डाउन टू अप अप्रोच करने का कार्य करने का पर मेरा एक सुझाव है, क्योंकि जो असली टैलेंट है वो या तो पंचायतों में है या गांव-गांव में है। हमें जिस तरह की एकेडमी सिर्फ और सिर्फ एक एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, स्पोर्ट्स मंत्री जी, आगे हमें हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी एकेडमीज खोलनी चाहिए जहां पे कि अच्छा न्यूट्रिशन हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे कोचेज हो। चलिए, थैंक यू। ऑनरेबल, बस सर, आ गया क्वेश्चन आपका? हाँ आ गया, बस इसके बाद थोड़ा आ गया। ऑनरेबल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जो इसके पीछे मूलभूत मंशा, उनकी मंशा है, उसकी मैं कदर करता हूँ, और हम भी इसी राह पर आगे चलने के लिए जो है वो वचनबद्ध है। और ये जो आंकड़े मैंने अभी इस माननीय सदन में पेश किए हैं विभाग द्वारा, ये जो है पिछले वित्तीय वर्ष के हैं। अभी हमारा नया वित्तीय वर्ष जो है वो शुरू होना है, मगर तब भी इस पर्टिकुलर गेम में जो हमारा कुश्ती है, इसमें ऊना जिला में जो छात्रावास है, जैसा अभी इन्होंने भी कहा कि इसमें 14 युवा जो है इसमें वहाँ पे छात्रावास में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और जितने भी इसमें हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है उसमें जो हमारे खेल संघ है उनको हम 1.5 लाख रुपए की जो है वो अनुदान राशि सरकार द्वारा देते हैं। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अध्यक्ष महोदय, और मैं इस सभा में ये इस सदन में ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो एक किस्म से फैसिलिटेटर है, क्योंकि जितने भी हमारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होती है वो अलग अलग जो संघ हमारे बने हुए हैं, खेल संघ बने हुए हैं, उनके द्वारा होती है, जिसको सपोर्ट करने का कार्य हमारा डिपार्टमेंट करता है। इसको आपकी जो इसमें आपकी संवेदनाएं हैं उसको मैं निश्चित तौर से समझता हूँ। आने वाले समय में वी विल ट्राई कि हम हर डिस्ट्रिक्ट की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मगर उसको पहले जोन में बांट कर प्रदेश को हम वहाँ पे स्पोर्टिंग फैसिलिटीज, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अभी हम इनको जो हमारे अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं या इंटर यूनिवर्सिटी में खेल रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय स्तर पे खेल रहे हैं और आपके अलग अलग उस पे खेल रहे हैं, उनको हम प्राइज मनी भी जो है दिया जाता है, जिसकी अलग अलग सूची है वो हम दे रहे हैं। और 2 खिलाड़ियों को जो है वो परशुराम पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो पहले 2 लाख रुपए होता था, अब वो बढ़कर जो है 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये हमारी एक पहल है, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। और इसमें हम जो और राज्य है जहाँ पे बहुत अच्छी हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जिन राज्यों पे चल रही है, हम वहाँ से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और आप अच्छे रिजल्ट्स
आने वाले समय में जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष है इसमें आप देखना शुरू करेंगे, इसका मैं माननीय सदस्यों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और अंत में जो आपने इसमें खिलाड़ियों को